हेलो गाइस, आज इस वीडियो में आप जानेंगे मई 2021 की टॉप सेलिंग कार्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 10th नंबर पर है टाटा सफारी। मई 2021 में टाटा सफारी की टोटल 1536 यूनिट्स बिकी हैं। टाटा सफारी की न्यू जनरेशन को इंडिया में 22 फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। अगर टाटा सफारी की प्राइजिंग की बात करें तो यह गाड़ी 14.99 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होकर 21.81 लाख एक्स शोरूम तक मिलती है। अगर इंजन की बात की जाए तो टाटा सफारी में ओनली 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 167 bhp की पावर और 350 nm का पीक टॉर्क प्रोवाइड करता है। टाटा सफारी दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ऑफर की जाती है। नाइन्थ बेस्ट सेलिंग SUV है महिंद्रा स्कॉर्पियो। मई के महीने में महिंद्रा स्कॉर्पियो की टोटल 1752 यूनिट्स बिकी हैं। अगर प्राइजिंग की बात की जाए तो महिंद्रा स्कॉर्पियो 12.31 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होकर 17.02 लाख एक्स शोरूम तक मिल जाती है। महिंद्रा स्कॉर्पियो में ओनली 2 डीजल इंजन ऑफर किए जाते हैं। दोनों 2.2 लीटर MOK इंजन है। पहला इंजन 120 bhp की पावर और 280 nm का पीक टॉर्क प्रोवाइड कराता है, जबकि टॉप वेरिएंट में मिलने वाला 2.2 लीटर MOK इंजन 140 bhp की पावर और 320 nm का टॉर्क प्रोवाइड कराता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो हाल फिलहाल ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है। महिंद्रा स्कॉर्पियो की नेक्स्ट जनरेशन 2022 में लॉन्च होने वाली है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने की खबर सुनने के बाद भी महिंद्रा स्कॉर्पियो के सेल्स फिगर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। एट्थ बेस्ट सेलिंग SUV है महिंद्रा थार। मई के महीने में महिंद्रा थार की टोटल 1911 यूनिट्स बिकी है। जब से थार लॉन्च हुई है तब से यह पहली बार है कि महिंद्रा थार ने टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में अपना नाम लाया हो। नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा थार की 2 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की गई थी। अगर प्राइजिंग की बात की जाए तो महिंद्रा थार 12.11 लाख से शुरू होकर 14.16 लाख एक्स शोरूम तक मिलती है। महिंद्रा थार का हाल फिलहाल ओनली 4 सीटर वेरिएंट अवेलेबल है। हालांकि 6 सीटर थार भी लॉन्च किया गया था, बट अच्छी सेफ्टी रेटिंग न होने के कारण उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अगर इंजन की बात की जाए तो महिंद्रा थार में 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो 150 bhp की पावर और 300 nm का पीक टॉर्क प्रोवाइड कराता है। वहीं पेट्रोल के साथ साथ 2.2 लीटर डीजल इंजन भी दिया जाता है, जिसमें 130 bhp की पावर और 300 nm का पीक टॉर्क प्रोवाइड करा जाता है। महिंद्रा थार दोनों ही 4x4 और 4x2 वेरिएंट में अवेलेबल है। 7th बेस्ट सेलिंग SUV है मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा, जो कुछ महीने पहले टॉप 10 लिस्ट में सेकंड या थर्ड प्लेस पर हुआ करती थी। मई के महीने में मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा की टोटल 2648 यूनिट्स बिकी है। अगर प्राइजिंग की बात की जाए तो मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा 7.5 लाख से शुरू होकर 11.41 लाख एक्स शोरूम तक मिलती है। विटारा ब्रीजा में हाल फिलहाल ओनली पेट्रोल इंजन का ऑप्शन अवेलेबल है। विटारा ब्रीजा में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है, जो 103.26 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कराता है। ब्रीजा को टोटल 9 वेरिएंट्स में ऑफर किया जाता है। मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा में बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल है। 6th बेस्ट सेलिंग SUV है महिंद्रा बोलेरो। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी SUVs आई और बहुत सारी डिसकंटिन्यू भी हुई, लेकिन महिंद्रा बोलेरो एकमात्र ऐसी गाड़ी है जिसने अपने से टॉप 10 की लिस्ट में अपने आप को बरकरार रखा। मई के महीने में महिंद्रा बोलेरो की 3517 यूनिट्स बिकी। अगर प्राइजिंग की बात की जाए तो महिंद्रा बोलेरो 8.40 लाख से शुरू होकर 9.39 लाख एक्स शोरूम तक मिल जाती है। इंजन की बात की जाए तो महिंद्रा बोलेरो में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 74.96 hp की पावर और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कराता है। 5th बेस्ट सेलिंग SUV है किया सेल्टोस। सेल्टोस किया मोटर्स का फर्स्ट प्रोडक्ट था इंडिया में। किया सेल्टोस को इंडिया में 20 जून 2019 को लॉन्च किया गया था। अगर प्राइजिंग की बात की जाए तो किया सेल्टोस 9.95 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होकर 17.65 लाख एक्स शोरूम तक मिल जाती है। इंजन की बात की करें तो किया सेल्टोस में 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन है। फर्स्ट पेट्रोल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 113.4 hp की पावर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कराता है।
वहीं अगर दूसरे इंजन ऑप्शन की बात की जाए तो किया सेल्टोस में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल भी मिलता है जो 138 bhp की पावर और 242 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोवाइड कराता है। साथ ही किया सेल्टोस में 1.5 लीटर डीजल इंजन भी दिया जाता है जो 113 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कराता है। फोर्थ बेस्ट सेलिंग SUV है Hyundai Venue। मई के महीने में Hyundai Venue की टोटल 4,840 यूनिट्स बिकी है। अगर प्राइजिंग की बात की जाए तो Hyundai Venue 6.92 लाख से शुरू होकर 11.76 लाख एक्स शोरूम तक मिल जाती है। Hyundai Venue में भी दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन दिया जाता है। 1.2 लीटर पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो 81.86 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दूसरा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 118 bhp की पावर और 171 न्यूटन मीटर का हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है। साथ ही डीजल में 1.5 लीटर इंजन दिया जाता है जो 98 bhp की पावर और 240 nm का पीक टॉर्क प्रोवाइड कराता है। थर्ड बेस्ट सेलिंग SUV है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन को नॉर्मली 7th या 8th पोजीशन पर देखा जाता था, किंतु मई के महीने में टाटा नेक्सॉन ने कमाल कर दिया और मारुति सुजुकी विटारा ब्रिजा को रिप्लेस कर दिया और थर्ड बेस्ट सेलिंग SUV बन गई। मई के महीने में टाटा नेक्सॉन की टोटल 6,439 यूनिट्स बिकी हैं। अगर प्राइजिंग की बात की जाए तो टाटा नेक्सॉन 7.19 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होकर 12.95 लाख एक्स शोरूम तक मिल जाती है। टाटा नेक्सॉन में दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर इंजन की बात की जाए तो 1.2 लीटर पेट्रोल जो 118 bhp की पावर और 170 nm का पीक टॉर्क प्रोवाइड कराता है। वहीं डीजल में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 108 hp की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कराता है। टाटा नेक्सॉन में बेस मॉडल से ही हमें ड्यूल एयरबैग, ABS, EBD जैसे प्रीमियम और सेफ्टी फीचर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सेकंड बेस्ट सेलिंग SUV है किया सोनेट। किया सोनेट को इंडियन मार्केट में 18 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। मई के महीने में किया सोनेट की 6,627 यूनिट्स बिकी है। अगर प्राइजिंग की बात की जाए तो किया सोनेट 6.79 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होकर 13.1 लाख एक्स शोरूम तक जाती है। किया सोनेट में टोटल 3 इंजन ऑप्शंस दिए जाते हैं। 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 98 एचपी की पावर और 240 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो 118.36 एचपी की पावर और 172 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। साथ ही 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी दिया जाता है जो 81.86 एचपी की पावर और 115 न्यूटन मीटर का हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मई महीने की टॉप सेलिंग कार रही सेगमेंट किंग Hyundai क्रेटा। मई महीने में Hyundai क्रेटा के 7,527 यूनिट बिकी हैं। अगर प्राइजिंग की बात की जाए तो Hyundai क्रेटा 9.99 लाख से लेकर 17.70 लाख एक्स शोरूम तक मिल जाती है। Hyundai क्रेटा में दो पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन अवेलेबल है। 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन जो 113.42 bhp की पावर निकालता है और 144 न्यूटन मीटर टॉर्क। वहीं 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 138 bhp की पावर निकालता है और 242 न्यूटन मीटर का हाई टॉर्क। 1.5 लीटर डीजल इंजन भी अवेलेबल है जो 113 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। Hyundai क्रेटा बोथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल है।